कल ये आंटी ना सफेद में पूरी टोट लग रही थी। मेरे को दिखा। यार आंटियों को स्कूटर पार्क करते देखने के लिए कौन टेरेस पर चढ़ता है? यही चढ़ता है। अबे चोंगी, तुझे क्या पता आंटियां बाइक पार्क करते हुए कितनी हॉट लग सकती है। ये ले तू भी देख ले। मुझे देना। नहीं नहीं मैं देखूंगा यार। मेरा यार ऋषभ। हाँ। वो देखो पीली साड़ी चाहिए। यार दिख नहीं रही ठीक से, बट आंटी की सेक्सी पीली सीतरू साड़ी दिख रही है। आंटी लगा दो हैंड स्टैंड पे खड़ी कर दो बाइक को। यार मुझे भी देखने में यार दे। अबे मम्मी है मेरी। अच्छा यार आंटी को पहले पीछे से मैंने कभी नहीं देखा। आंटी इधर आंटी ऋषभ बोल रहा है, बड़ी अच्छी लग रही हो पीली साड़ी में। आंटी इधर आंटी इधर ये रहा आपका सुपुत्र। आंटी रिजेक्ट। हद हो गई यार, आज का डे भी ना सोशल नेटवर्क साइट पर वेस्ट हो गया है। अपनी कॉलेज की सारी बेब्स स्मिता, हरलीन, सिमी, वंशिका, तृप्ति, बलविंदर, हाय हाय वो तो अच्छी भी नहीं लगती, अंजू वगैरह की सारी एल्बम की पिक्चर्स गो थ्रू कर लिए मैंने तो। गोवा वाली एल्बम मेरे बाकी के यार दोस्त ना एडल्ट वेबसाइट पर जाते हैं, डबल एक्स ट्रिपल एक्स और अब तो 4x वाले वीडियो भी देखने लग गए। और यार मैं अंजू की स्लीवलेस वाली टॉप की पिक्चर से ना अपना मन बहला रहा हूं। मेरा नाम ऋषभ है, निहायत ही शरीफ और होपलेस लेवल का गुड बॉय हूँ मैं। और अब ना मुझे ये इमेज बदलनी है, बैड बॉय बनना है। क्यों बताता हूँ, सोशल नेटवर्क पर लोगों के पिक्स देखता हूँ तो लगता है मैंने अपनी लाइफ के साथ कुछ किया ही नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, किसी बंदे की कुटाई नहीं की, पुलिस से पंगे नहीं लिए, गंद भी नहीं मचाई कभी। और अब ना मुझे लाइफ में गंद मचानी है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, गंद मचाने में मेरी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? गधे का पूत। ये मेरे पापा है, इस वक्त इतने गुस्से में है कि मुझे ही गधे का पूत कह रहे, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि गाली ना खुद को ही मिल रही है। ओए नहीं नहीं पापा, मैंने गुस्से किया? कल भाई तू लेकर गया था। हाँ जी और तेरी तो नहीं पापा। हाँ पापा। ओए बाइक में पेट्रोल कौन तरबाब डालेगा? ओए मैं आधे रास्ते से धक्के मार मार कर बाइक को वापस लाया हूँ। आधे रास्ते गए थे तो फिर ऑफिस ही चले जाते क्या? कुछ सॉरी साले, माँ बाप तो नौकर है ना तुम्हारे, धीरू भाई पैदा हो गया साला भल्लों के घर में। कौन? वो धीरू भाई अंबानी यार। साले तुम नई जनरेशन, पुराने गुजरे जमाने के हेरिटेज को क्या जानो? हाय हाय कितना डांटोगे हैं? ओ जी पानी पी लो। वो पानी नहीं चाहिए है, वो विस्की लेके आ, विस्की का गिलास। ओ तेरे इस पुत्र ने मेरे दिमाग की मां बस। ओ छड़ी यार। ओ जी ठंड रखो जी ठंड। कितना प्यारा बच्चा है मेरा। ये मम्मी है, बहुत स्वीट है यार, आई लव मम्मी। लोलू का पट्टा है ये। ओ, आपको तो पता ही है इसके पास कहाँ पैसे होते हैं पेट्रोल के। हम वो है पैसे। हाँ? और आप जब आधे रास्ते तक गए थे तो ऑफिस तक नहीं जा सकते थे क्या? OMG पापा, आप ऑफिस से आधे रास्ते बाइक को खींच के लेके आए हो? वो की करा क्योंकि ऋषभ ने बाइक में पेट्रोल नहीं भराया होगा,
लेकिन पापा उस दिन आपने इसको 500 रुपए दिए थे ना, खर्च हो गए क्या ऋषभ? मेरी छोटी बहन, खून का रिश्ता ना होता ना तो खून का डालता इसका। नहीं पापा, वो कॉलेज में फंक्शन था ना तो थोड़े। वो केड़ा फंक्शन है? मैं तो कहती हूँ शादी करा दो मुंडे की, लाइन पर आ जाएगा। और ये मेरी दादी है, 3 साल पहले सीढ़ियों से गिरी थी और इनके सर पर चोट आई थी, तब इन्हें कृष्ण भगवान दिखे थे, तब से ना हमारे घर में कन्हैया को बहुत मानते हैं। तू यहाँ क्यों बैठी है? ये कड़ी चावल मैं ही बनाऊं फिर से? अपने बच्चे कुछ दिन ना चावल उबालते हुए निकाल दूंगी, ये तो जाएगी अंदर काम करने। देख रहे हो कैसे बात करती है मुझसे? बड़ी है यार। बड़ी है? अरे बड़ी है तो क्या हुआ, मैं की नौकरानी हूँ इस घर की? यार ये है मेरी हैप्पी गो लकी स्वीट लविंग फैमिली। जब ये मेरे खुद की खुशी के बीच आटपकते हैं ना, तो लगता है कि मैं खुद खुशी कर लूं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पप्पी और चोंग मेरे दोस्त हैं। चोंगी, तेरे को लगता है मैं हैंडसम हूँ? तंग मत कर यार। कर क्या रही है तू? फोटो एडिटिंग का ऑनलाइन कोर्स है, प्रैक्टिस कर रही हूँ। यार तू ये सब कब से करने लग गई? पिछले 3 हफ्तों से बता रही तुम दोनों को, लेकिन सुनते कहो मेरी। अबे ओए, ये सारे काम करने की बजाय ना रोटियां बेलना सीख, किचन का काम संभाल ले। ससुराल जाके सुबह शाम नूडल बनाएगी ना तो घर वापस भेज देंगे तुझे। खा मगा तेरी मम्मी और मेरे को डिस्टर्ब होगा। चौंग की मम्मी ना सिर्फ मेरी है, मेरी, उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करना। हाँ फिश यार। क्या हो गया? लैपटॉप बंद पड़ गया, तेरा दे। नहीं नहीं नहीं, मैं चार्ज कर देता हूँ तेरा। ओहो स्लीवलेस। तू अंजू से प्यार करता है क्या? नहीं नहीं, वो दूसरी लड़कियों की भी फोटोज खुली है दूसरे टैब पे, देख देख क्या देख। टोटा का नाम लिया, टोटा हाजिर। अंजू भाटिया के पकाएगा नी? मैं क्या भाटिया के पकाएगा नी? अबे क्या चाहिए और बात क्यों करा मुझसे? मैं हे जूजू, माय जूजू, कम ऑन यार, बात कर रहा है ना तू? और बता ना भाटिया के बारे में। पसीना कितना आता है ना भाटिया को? Come on, जूजू, बात करना। पहले सॉरी बोल। सॉरी? सॉरी जूजू, सॉरी सच्ची दिल से। तो फिर ओके, आई मिस यू स्पंकी। आई मिस यू टू वेव्स। चल फिर। चल। वैसे यू आर लुकिंग गुड टुडे। यार रोज। मैं क्या बोलूं? ऋषभ यार 200 रुपए देना। नहीं है यार, पापा ने सिर्फ पेट्रोल के ही पैसे दिए थे। यार तेरा बाप तुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? अबे कल मैं बाइक में पेट्रोल भराना भूल गया तो पापा ऑफिस जा रहे थे, आधे रास्ते में ही बंद पड़ गए, तो आधे रास्ते घर ले आए मुझे डांटने के लिए। तो सुन भी रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, ते आधे रास्ते गए थे तो पूरा ही चले जाते। वही तो मैं कह रहा हूँ।
कॉलेज में हमें कोई नहीं जानता। मेरा तो इन दोनों को छोड़कर ना कोई दोस्त भी नहीं है और चाहिए भी नहीं। ओए, यही बस है। पप्पी और चौंग ना मेरे भाई जैसे, ये कभी मुझे धोखा दे ही नहीं सकते। अबे ये क्या है? इसे भी भेज दिया होगा गलती से। उन्होंने और किसको किसको ये भेजा है? और किसी को नहीं भेजा भाई, झूठ मत बोलो। करीब करीब पूरे कॉलेज को। तुम्हारी तो मैं अबे मेरी बाइक इधर इधर छोड़ दी। मेरा बाप मुझे मार डालेगा। फिश 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 अबे रोटी किथे यार? ओए बाइक कहाँ है? पेट्रोल डलवाया नहीं? हाँ जी पापा। दिखाई नहीं दी यार वो पापा। अपनी गली में पार्किंग नहीं मिली ना, तो मैंने पीछे वाली गली में डाल दी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुत्र वो करना, मैं बहुत गुस्से में था इसलिए तुझे ज्यादा डांट दिया। हाँ सॉरी। नहीं नहीं पापा, आपने तो उल्टा बिल्कुल सही किया। मैं आपकी जगह होता ना तो पीटी देता। नहीं पुत्र, वो तू ना पीटने वाले काम नहीं करता। वो तो चंगा लड़का है भाई। तो एक काम कर, वो 500 रुपए है ना, उसमें जो बचे है ना वो तेरे जा रख ले। पापा कैसी बातें कर रहे हो पापा? क्यों, दादी घर की बड़ी है ना, तो मैं सारे पैसे ना दादी को ही दूंगी। चलो, किसी की तो कदर हुई मेरी इस घर में, अब तो पोतों के सहारे ही रहना पड़ेगा। हाँ दादी, मैं हूँ ना आपके लिए। और वैसे भी टाइनी थोड़े दिनों बाद तो चली जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे मैं कड़ी लेके आती हूँ। ऋषभ, आई एम प्राउड ऑफ यू पुत्र। मुझसे सुना तेरे पापा ने क्या बोला? प्राउड ऑफ मी। कौन? ऋषभ, नॉट टाइनी। कौन? प्राउड ऑफ मी। RISHAB। पापा ये याद रखना ठीक है, जुबान ले रहा हूँ आपसे। जुबान तो वैसे ही बहुत लंबी है तेरी, कैसी लड़कियों के आगे बार बार निकल जाती है। ये देखो पापा, ये देखो। नहीं ऐसी हरकतें करता है कॉलेज में लड़कियों के सामने? कैसी अश्लील हरकतें करता है दादी? आप भी देखो। ऋषभ, you wanna see? Krishna, Krishna. देखो आप। ओए ठेला। ओपा नकली है, ओपा नकली नकली। ओए नकली है पापा, नकली है ये। नहीं असली है। पापा ये चौंग ने ये बनाया क्योंकि उसे एक सॉफ्टवेयर आता है और अच्छा लग रहा है क्योंकि चौंग बहुत अच्छी है। पापा नकली है, नकली है, ठीक लग रहा है। ठंड पाले। और सुनीता, तो बनाई किसने? मेरे दोस्तों ने। हाय, तू ऐसे लोगों से दोस्ती करता है क्यों है? पता नहीं। ओ तुझे कुछ पता भी है? हेलो, क्या
आज तो ऋषभ गया यार। सीरियसली यार, आज तो मजा आने वाले क्लास में यार। लुक एट दिस। देखा है सुद्धू को? तूने देखा है? आपस में ही लगे रहते हो क्या? इधर उधर भी देख लिया करो। ऋषभ रुक, वहीं पे रुक, मैं आया। भागो भागो बेटा, रुक, भागो। तू तो गया, रुको। अबे इस खरगोश की क्या गलती है? तू ही ऋषभ है ना? ऋषभ नहीं, मुझे तो लोग सोनू बुलाते हैं। ये मोनू, ये ललिता। जोक मारा मैंने? नहीं नहीं नहीं, चला आकर। आकर यही है, यही है। तेरी इतनी हिम्मत मेरी रंजू के साथ नकली तस्वीरें बनाएगा? देख बेटा, सच से बता दे, छोड़ दूंगा। पी हुई थी क्या? नहीं नहीं, मैं तो पीता भी नहीं। गॉड प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस, मैंने नहीं पीता। मैंने तो सुना है ये पी के उल्टी कर देता है, टेस्ट बहुत कड़वा लगता है ना उसे। तू पी के उल्टी कर देता है? तू और ये तेरे पप्पू दोस्त। पप्पू नहीं, पप्पू। तुझे बहुत शौक है ना बगल चाटने का? बहुत शौक है ना तुझे बगल चाटने का? बहुत शौक है ना? तो अंजू की क्यों? तू मेरी भी चाटेगा? नहीं 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 नहीं, आप उन्हें मारो ना, मारो। बैठ। नहीं 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 नहीं, बनाएगा। सॉरी बोल देना यार। अरे सॉरी तो मुझे फील हो रहा है तेरी वेश जवानी पर। अरे कितना शरीफ लड़का है, इसकी मासूमियत देखो, टपक रही है, देखो इसको। कितना गुड बॉय है तू, होपलेस लड़के। और आगे से ध्यान रखियो। पंगियांस, मेरी लाइफ का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्पंकी ने रूला। स्पंकी ने उस दिन हम तीनों की पूरी कॉलेज के सामने इंसल्ट कर दी। साले ने पंगे को पर्सनल कर दिया। स्पंकी को तो मैं देख लूंगा। देख लेना उसको ना। चल एक मिनट। मैंने वो तस्वीर नहीं बनाई। जानती हूँ मैं, चौंग ने बताया मुझे। तू ये बात तेरी बॉयफ्रेंड को नहीं बोल पाई? अबे आज सुबह ही तो बात हुई थी मेरी चौंग से। तो बस खड़ी रही, देखती रही तमाशा। अबे एक तो मैं स्पंकी की तरफ से सॉरी बोलने आई, और तू है मेरी सॉरी की कोई लोड नहीं है। मैं लगता नहीं हूँ बट बहुत दम है मुझ पे। तेरी स्पंकी की ना, दो मिनट में हवा टाइट कर दूंगा, कमाल समझ मुझे तू। देख ऋषभ, स्पंकी ना इतना बुरा नहीं है, पर वो कभी कभी जानवर बन जाता है। ठीक है, I'm sorry। फिर तू क्यों है उसके साथ? यार मेरे को ना जानवर अच्छे लगते हैं। देख स्पंकी है ना, वो मर्द है मर्द, और तू अभी लड़का है यार। हाँ लेकिन तू लड़का अच्छा है यार। वैसे तेको कभी हेल्प की जरूरत पड़े ना तो कॉल कर लियो, शायद मैं तेरी हेल्प कर पाओ, यू नो। उस दिन अंजू की आंखों में मुझे वो दिखा जो मैं कब से ढूंढ रहा था। तेरी बाइक टोइंग वालों ने ले ली होगी क्या?
ओए ऋषभ सुन, कौन जर कहीं का? टोइंग वाले को 500 रुपए घूस देने पड़े तो फिर पेट्रोल डालने के पैसे। तब मैंने एक बात ठान ली, अब मैं भी जानवर बनना चाहता हूँ। इस गुड बॉय की इमेज को तोड़ करना इतना बड़ा डूड बनना चाहता हूँ कि अंजू को ना उस पंखे के नाक के नीचे से भाग के ले जाऊं, क्योंकि इस वक्त ना मेरी लाइफ पर लेंटर लगे हुए हैं। और स्टड बनने का ये सफर मैंने अगर अब शुरू नहीं किया ना तो लल्लू का लल्लू ही बनकर रह जाऊंगा। चलो जो कुछ भी हुआ, पर मेरे दोस्त तो मेरे साथ हैं। संजू जी, आपका बेटा गाड़ी में फिर से पेट्रोल डलवाना भूल गया। उल्लू दा पठा, उस साड़ी में आज भी होड़ लगती है।